हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के पांचवे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 20 मार्च को शाम के 7 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अभी सीरीज 2-2 से बराबर चल रही है और जो भी ये टीम मुकाबला जीतेगी वो सीरीज अपना नाम कर लेगी। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहां आपको इस मुकाबले की फैंटेसी टीम मिलेगी। उसके अलावा भी आपको दुनिया भर के बहुत सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलती है टेलीग्राम के ऊपर। आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लेना है। और क्रिकेट के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां भी आपको काफी सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफ़ी अच्छा मैदान है बैटिंग के लिए, सरफेस काफ़ी हार्ड है, इस मैदान पर बैटिंग करना काफ़ी आसान होने वाला है। हालांकि ड्यू फैक्टर बीच में आता है सेकंड इनिंग्स में, इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टीम इंडिया के बारे में, जिन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर पहले बैटिंग करते हुए जीत हासिल करी और सीरीज अब बराबर हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी, उनको पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला नंबर 3 के ऊपर और सूर्या ने प्रूफ कर दिया कि वो कितने कमाल के प्लेयर हैं। हालांकि वो नॉट आउट थे, पर अंपायर वीरेंद्र शर्मा की घटिया अंपायरिंग की वजह से उनको आउट होना पड़ गया। विराट कोहली वापस जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी है, टीम उम्मीद करेगी वो जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे इस मुकाबले के अंदर। और नंबर 6 की ओर बैटिंग करते हुए श्रेयस अय्यर की बैटिंग भी काफी शानदार रही इस टीम के लिए, उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया फिनिशर का। रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, उम्मीद करेंगे रोहित शर्मा भी इस मुकाबले के अंदर बड़ी पारी खेलेंगे। केएल राहुल को पता नहीं क्या हो गया, ट्रोल्स बन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राहुल चल नहीं सकते हो, देखते हैं इस मुकाबले में क्या होगा। ईशान इंजर्ड, तो उम्मीद करते हैं राहुल को एक और मौका मिलने वाला है। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने बहुत ही कमाल का स्पेल डाला, बहुत ही इकोनॉमिकल रहे, 2 विकेट भी निकाले। हार्दिक की बॉलिंग काफी बड़ा पॉजिटिव है इस टीम के लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट निकाले, हालांकि इकोनॉमिकल नहीं रहे, पर ठाकुर के विकेट काम आए टीम के पिछले मुकाबले के अंदर। और स्पिन की जिम्मेदारी होगी राहुल चहर के ऊपर, विराट ने कहा कि इस मुकाबले के अंदर राहुल चेहरी खेलने वाले हैं। तो बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो ईशान इंजर्ड, इस वजह से सेम प्लेइंग 11 खेल सकते हैं इस मुकाबले के अंदर भी। तो इंडिया के लिए ओपन करेंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे श्रेयस अय्यर, फिर हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार और राहुल चेहर। जरूर से इंडिया की टीम सीरीज जीतना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं इंग्लैंड की टीम के बारे में, जो कि लग रहा था कि पिछला मुकाबला जीत जाएगा, पर टीम फिनिश बिल्कुल नहीं कर पाए पिछले मुकाबले के अंदर। जेसन रॉय ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी इस टीम के लिए, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उम्मीद करेंगे इस मुकाबले स्टार्ट कुक को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जॉनी बेस्टो भी काफी अच्छे फॉर्म में लग रहा है इस सीरीज, 55 का एवरेज उनका और बेस्टो की बैटिंग काफी शानदार रही है इस टीम के लिए। जॉस बटलर को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, अब तक एक बड़ी पारी खेल चुके हैं, पर उनको ओपन अच्छा करके देना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। बेन स्टोक्स ने भी प्रूफ किया पिछले मुकाबले में वो कितने कमाल के बल्लेबाज, लगभग 200 का उनका स्ट्राइक रेट था। उसके अलावा गेंदबाजी के अंदर भी काफी अच्छा विकेट निकाला बेन स्टोक्स ने, गेंदबाजी जॉफर आर्चर काफी शानदार कर रहे हैं, 7 विकेट निकाल चुके हैं सीरीज के अंदर, उनकी इकोनॉमी भी 7 की रही है। साथ ही मार्क वुड को 2-3 मुकाबलों के अंदर 5 विकेट मिले हैं और उनकी इकोनॉमी 7 से भी कम की रही है। तो आर्चर और वुड ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है और आदिल रशीद और जॉर्डन ने भी काफी जो साथ दिया इन दोनों गेंदबाजों का। तो इंग्लैंड के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है T20 फॉर्मेट में और ये टीम मादा रखती सीरीज जीतने की। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंग्लैंड के लिए ओपन करेंगे जेसन रॉय और जॉस बटलर, नंबर 3 पे डाविड मलान, नंबर 4 पे जॉनी बेस्टो, नंबर 5 पे ओइन मॉर्गन, नंबर 6 पे बेन स्टोक्स, फिर सैम करन,
क्रिस जॉर्डन, जॉफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद तो ज़रूर से एक बड़ा मुकाबला होगा इंग्लैंड के लिए भी। आप कमेंट करके बताओ ये मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी इंडिया, वो टीम होगी इंग्लैंड, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली मशीन के ऊपर। तो वैसे तो जो भी टीम चेस करेगी उसको एडवांटेज रहेगा, पर मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जीत मिलेगी इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड के पास एक बहुत ही स्ट्रांग स्क्वाड है, मेरे को लगता है इंग्लैंड मुकाबला जीतेगा और सीरीज में इंडिया को हरा देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को इस तरह वीडियोज देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।